दे से ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, अर्थात सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। और दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सभी को अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये द ऑल न्यू सुजुकी कटाना। साइकिल को 1980s में लॉन्च किया गया था एंड दिस मोटरसाइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड लीटर क्लास नेकेड सुपर बाइक अमंग्स द एंथुसियास्ट अराउंड द वर्ल्ड। और आज मैं इस बाइक का एक रोड टेस्ट रिव्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इफ द ऑल न्यू सुजुकी कटाना स्टिल रिटेन्स इट्स मैग्नेटाइजिंग चार्म और नॉट। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम सबसे पहले अपना ये वीडियो शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन और लुक से। दिखने के मामले में एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये मोटरसाइकिल अभी भी अपना ओल्ड रेट्रो लुक कैरी कर रही है और ये काफ़ी सारे लोगों को इसलिए पसंद आ रही है। अगर मैं इसमें कुछ डिज़ाइन क्यूज़ की बात कर लूँ तो इसमें फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और इसके हेडलैम्प्स का थ्रो काफ़ी अच्छा है। साइड में आपको LED DRLs मिल जाते हैं, इधर आपको एक छोटी सी विंडशील्ड भी मिल जाती है, नीचे आपको इसका नॉर्मल मडगार्ड मिलता है, साथ में आपको इसमें गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं जो कि इसे एक काफ़ी प्रीमियम लुक भी दे रहे हैं। नीचे आपको कॉपर कलर शेड में इसके 17 इंच के रिम्स मिल जाते हैं फ्रंट और रियर में, और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। आपको फ्रंट में डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिल जाता है ब्रेम्बो का, रियर में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है विद निसिन कैलिपर्स। थोड़ा अगर मैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ मूव करूं तो एक चीज़ है कि मोटरसाइकिल दिखने में काफ़ी बल्की है तो इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको कटाना की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इधर आपको सुजुकी लिखा मिल जाएगा। इसमें आपको 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। मुझे ये लगता है कि इसका फ्यूल टैंक थोड़ी और ज़्यादा कैपेसिटी का हो सकता था। यहाँ पे आपको एक सिंगल एग्जॉस्ट कैन मिलता है, इसके जो एग्जॉस्ट सिम्फनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इधर आपको एक सिंगल पीस सीट मिलती है जिसमें राइडर और पीछे एक पिलियन आराम से राइड कर सकते हैं। काफ़ी वाइड है, काफ़ी कुशनी है तो आप आराम से इस पर अपने लॉन्ग ट्रिप भी कर सकते हैं। अगर इसके रियर सेक्शन की बात करूँ तो इसका रियर सेक्शन भी दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। आपको यहाँ पे एक बल्कि टायर मिल जाता है, आपको यहाँ पे LED साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसका टेल लाइट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसे एक अलग आइडेंटिटी देता है। मूव करूं अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, यहाँ पे आपको हैंडल बार के लेफ्ट साइड पे हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है, इधर आपको स्विचेस मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल को एक्सेस करने के लिए, नीचे आपको साइड इंडिकेटर्स और ऑन का स्विच मिल जाता है। इसके हैंडल बार की राइट साइड में आपको इग्निशन और हैजार्ड लाइट का स्विच मिलता है। इसमें आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, अनफॉर्चुनेटली ये कलर डिस्प्ले नहीं है। इसमें आपको ब्राइटनेस मोड्स भी मिल जाते हैं पर इसकी जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको डिजिट्स रीड करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। बात करूं अगर मैं इसके साइड मिरर्स की तो इसका जो साइड मिरर्स का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको एक अच्छा खासा पीछे रोड का व्यू देते हैं, जो भी ट्रैफिक आ रहा है आप आराम से देख सकते हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिल जाता है पर आपको वो एडजस्टेबिलिटी क्लच के लिए नहीं मिलती, अगर वो भी होती तो राइडर और कन्वीनियंस के हिसाब से इसके क्लच को भी एडजस्ट कर सकता था। इसका जो वेट है वो है अराउंड 217 kg, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये मोटरसाइकिल काफ़ी लाइट फील होती है राइड करते समय। ओवरऑल अगर मैं इसके लुक्स की बात करूँ तो कंपेयर टू द ओल्डर कटाना दिस मोटरसाइकिल स्टिल रिटेन्स इट्स रेट्रो सिलहुट। ये बाइक दिखने में काफ़ी अच्छी है और इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो हो गई इसके डिज़ाइन लुक्स और फीचर्स की बात, अब हम आते हैं अपने सबसे एक्साइटिंग पार्ट की तरफ जो कि है इसका इंजन और परफॉर्मेंस। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिलता है एक 999cc का इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 150 bhp का पावर एंड 106 nm ऑफ पीक टॉर्क। इसमें आपको एक 6-speed का गियर बॉक्स मिल जाता है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 level एडजस्टमेंट मिल जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए।
इसमें और आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, बट वो स्विचेबल नहीं है। साथ ही साथ इसमें आपको तीन डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, A, B और C, जैसे कि आपने हायाबुसा में भी देखा होगा। इसका जो ए मोड है वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मोड है। अगर आप इसे सी मोड में चला रहे हैं तो इस मोटरसाइकिल का जो इनिशियल पार है वो काफ़ी लीनियर वे में आने लगता है। ए मोड पर वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो अगर आप इसे सिटी में राइड कर रहे हैं ट्रैफिक के बीच में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे सी मोड पे ही चलाएं, क्योंकि ए या बी मोड पे इस मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली परफॉर्म करता है। बात करूं अगर मैं इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस की, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। काफ़ी एग्रेसिवली सुजुकी ने इसके इंजन को ट्यून कर रखा है। द इंजन कम्स इनटू इट्स एलिमेंट आफ्टर क्रॉसिंग 4500 RPM मार्क। एक अच्छी चीज़ है इस मोटरसाइकिल के बारे में कि दिस मोटरसाइकिल इज़ क्वाइट फ्लिकेबल, तो आप इसे इजीली सिटी के अंदर राइड कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप एक लीडर क्लास सुपर बाइक चला रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप इस मोटरसाइकिल को एज अ डेली कम्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। इस मोटरसाइकिल की इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड स्पीड है 243 kmph की, विच इज़ क्वाइट गुड। और मेरे ख्याल से आप इससे इजीली टूरिंग भी कर सकते हैं, बट उसका एक ही ड्रॉबैक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी माइलेज है 15 से 16 kmph की। अगर आप इस पे लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हैं तो आपको रीफ्यूलिंग स्टॉप्स थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। इसमें आपको स्लिपर और असिस्ट क्लच भी मिलता है, तो आप बिना क्लच का इस्तेमाल करे आराम से गियर शिफ्ट्स कर सकते हैं सिटी ट्रैफिक में और हाईवेज में। ओवरऑल 2022 सुजुकी कटाना का जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सके। तो ये तो हो गई इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात, अब हम बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग की। बात करूं अगर मैं इसके राइडिंग पोस्चर की, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। आपको बहुत ज़्यादा झुक के ये मोटरसाइकिल नहीं चलानी पड़ती, आप आराम से रिलैक्स पोजीशन में इस मोटरसाइकिल को राइड कर सकते हैं, और यही चीज़ इस मोटरसाइकिल को एवरीडे कम्यूटिंग फ्रेंडली बनाती है, साथ में साथ लॉन्ग ट्रिप फ्रेंडली भी बनाती है। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इस मोटरसाइकिल का ना टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको अच्छा खासा स्पेस चाहिए एक यू टर्न लेने के लिए या एक नॉर्मल टर्न लेने के लिए भी। बात करूं अगर इसके मैं सस्पेंशन सिस्टम की, तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, रियर में आपको एक मोनोशॉक मिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि ये दोनों फुल्ली एडजस्टेबल यूनिट्स हैं, आप अपनी राइडिंग कन्वीनियंस के हिसाब से इसके सस्पेंशन सिस्टम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है, मैंने तो इसे हाईवेज पे राइड किया, सिटी में भी राइड किया, तो काफ़ी अच्छे से पॉट होल्स और स्पीड बम्प्स को ये काउंटर कर रही थी। बात करूं अगर मैं इसके ब्रेक्स की, तो इसके जो फ्रंट ब्रेक का बाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे ये लगता है कि इसके रियर ब्रेक्स का जो बाइट है ना वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। बात करूं अगर मैं इसके टायर्स की, तो इसका जो टायर ग्रिप है वो काफ़ी एडिक्वेट है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगती है कि इसमें थोड़े और अच्छे ग्रिप वाले टायर्स हो सकते थे, जिसमें आप और कॉन्फिडेंटली कॉर्नरिंग कर सकें। तो ये तो हो गई हमारे राइड और हैंडलिंग की बात, अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले हम बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। इस बाइक का प्राइस है 13.61 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और मुझे लगता है कि यहाँ पे सुजुकी ने जो प्राइसिंग है वो काफ़ी एग्रेसिवली कर रखी है। थोड़े बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट्स अभी भी हो सकते हैं। ओवरऑल जो मेरा आज का राइड एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। इट्स अ वेरी निम्बल मशीन, आप इसे राइड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, एंड दिस मोटरसाइकिल कम्स लोडेड विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एड्स। आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।